खबर कवर्धा से है, जहां विकास खंड लोहारा के ग्राम बीरेंद्र नगर स्थल जाने वाली कच्ची सड़क अधिक खराब हो चुकी है, जिससे पक्की सड़क बनने के लिए बड़े लंबे समय से मांग चल रही है। बता दें, गौण खनिज जो मद से लगभग 10 लाख में 2.5 मीटर से अधिक मुरुम सड़क की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में उसी सड़क पर मुरुम बिछाने का कार्य तो किया गया, लेकिन घटिया और लीपा पोती का कार्य हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो नाग बाबा देवस्थल पर जनवरी महीने में मेला लगता है, उस स्थान पर पक्की सड़क बनने की मांग चल रही है, लेकिन वर्तमान में बनाई गई सड़क दिखावे की साबित हो रही है। ग्रामीणों का तो ये भी कहना है कि उस रोड में 10 लाख की स्वीकृति की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से उस रोड का काम कराया गया है, कुछ ही राशि का उपयोग हुआ होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर बाकी की राशि कहाँ गई। साथ ही कार्य एजेंसी ने कहीं भी बोर्ड लगाया, जबकि शासन के सख्त निर्देश है कि कार्यस्थल पर सूचना पलट लगाया जाए, ताकि ग्रामीणों को योजना की जानकारी मिल सके। अब देखने वाली बात खास ये होगी कि दोषियों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। के बने साहब, 10 लाख एक जनपद सदस्य हमारे केहरी से 10 लाख के मुर्मीकरण नांगा बाबा के लिए आ हैगा मुर्मीकरण करावो के मुर्मीकरण कराना है इसी केहरी से। एक दिन नांगा बाबा देवता दर्शन कर गए ना, तो देखे तो वाकई में मुर्मी नहीं रही से, हल्का हल्का वाला ऐसे बिछावत रही से, वो मशीन लान के वैसे एक जगह ऐसे मुर्मी नहीं रखे रही सब चोरों बोरो, मतलब मुर्मी नहीं बरोबर है, नहीं बरोबर है। और मेरे चार अंगूर के तक मुर्मी नहीं है, दो अंगूर घर नहीं है, गिट्टी दिखा थे दिखे बार भाई। अच्छा के